नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं लौकी के पराठा की रेसिपी शेयर करूँगी, जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है, और साथ में जो बच्चे खाते नहीं हैं ना, वो भी आराम से खा लेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। ले ली आधा लौकी और इसे छील लेंगे। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब खरीदिएगा लौकी ना, तो बड़ा लौकी नहीं खरीदिएगा, दाना होगा तो उससे रेसिपी अच्छा नहीं बनता। इसमें बिना दाना वाला देखकर छोटा साइज़ का खरीदिएगा, जो खींचा हो उसी को लीजिएगा। चलिए लौकी छिल गया, इससे पीछे वाला पोर्शन काट लेंगे। ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे लौकी को। छोटे छोटे पीसेस करने से जल्दी पीस जाएगा, बड़ा बड़ा पीस कीजिएगा तो मिक्सर ग्राइंडर में फंस जाता है, इसलिए ज़्यादा ही बड़ा भी नहीं करेंगे, ज़्यादा छोटा भी नहीं करेंगे, इस साइज़ को करेंगे। देख सकते हैं छोटे छोटे साइज़ में कर लेते हैं ताकि आराम से पीस जाए मिक्सर ग्राइंडर के जार में। चलिए लौकी कट गया है। अब लौकी को डाल लेंगे मिक्सर ग्राइंडर के जार में। अब इसे पीस लेंगे। पीस के लिए आए हैं, देख सकते हैं, इसे निकाल लेते हैं, एक गमला में निकालेंगे। आप कितना क्वांटिटी लौकी का रख सकते हैं, रखना चाहते हैं कितना क्वांटिटी आटा का, वो डिपेंड करता है आप पर। मैं इतने लौकी के लिए 2 बड़े स्पून आटा डालूँगी। देख रहे हैं स्पून, यही स्पून से डाल रहे हैं 2 स्पून। अब डालेंगे अदरक और हरी मिर्च को कूट कर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बच्चे लोग भी खाएंगे, इसलिए थोड़ा सा डालें। और थोड़ा सा एकदम डालेंगे हल्दी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। इसमें थोड़ा सा डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। अब सभी को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। पानी इस वक्त बिल्कुल नहीं डालना है, पहले अच्छी तरह से लौकी और आटा को मिला लेंगे। देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगा पानी तभी डालेंगे, क्योंकि लौकी में ऑलरेडी बहुत पानी होता है। साथ ही डाल देते हैं नमक, स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। देख सकते हैं अलग से पानी डालने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। अब इसे सान कर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे, जिससे मेरा पराठा बहुत सॉफ्ट और मुलायम बनेगा। आप थोड़ा सा तेल ले लेंगे हाथों में और इसे चिकना करेंगे। इसी तरह मसलते हुए एकदम सॉफ्ट आटा लगा लेना है। जितना मसलिएगा इसे, उतना ही अच्छा सॉफ्ट एक आटा, मतलब डो तैयार होगा। चलिए ये तैयार हो गया, इसका लोई बना लेते हैं। लोई काट लेंगे इसी तरह से। अब एक लोई लेंगे और इसी तरह से गोल कर लेंगे और सूखा आटा लगाकर इसे बेल लेते हैं। मैं यहाँ गोल रोटी का शेप का पराठा बनाऊंगी, आप चाहे तो 3 कोना वाला बनाएं या फिर 4 कोना वाला बनाएं, डिपेंड आपके ऊपर करता है किस तरह का पराठा बनाना चाहेंगे। मैं यहाँ गोल बना रही हूँ।
ये बन के तैयार हो गया, इसे डाल देंगे तवा पे, तवा गरम है अच्छी तरह। ऐसे पलट लेते हैं। एक बार और पलट देंगे और इसी तरह से दबाते हुए फुला लेंगे। अब लगा देंगे घी। घी रिफाइन जो आपकी मर्जी हो वो लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि घी लगाना है, सभी तेल से भी अच्छा लगता है खाने में और घी से भी अच्छा लगता है। इसी तरह उलटते पलटते सेक लेंगे। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया हुआ। अब दूसरा पराठा इसी तरह बना लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगता है लौकी का पराठा, और ख़ास बात तो ये है कि बच्चे लोग खा लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता, इसी तरह से हेल्दी चीज़ भी खा लेते हैं। ऐसे तो लौकी खाना पसंद नहीं करते। ऐसे भी उल्टे उलट पलट के सेक लेंगे और इसे दबाते हुए फुला लेंगे। इस पर भी घी लगा लेंगे अच्छी तरह से, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, एक चम्मच से। हम देख रहे हैं कि दोनों साइड कर दे रहे हैं। ऐसे भी दबाते हुए अच्छी तरह सेक लेते हैं। तैयार हो गया दूसरा पराठा भी, चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। मैं इसे सर्व कर रही हूँ लौकी का कोफ्ते की सब्जी के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तब तक बाय बाय।